बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू parkdeal.com.pk। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो है हम टोयोटा भावलपुर मोटर्स में हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टोयोटा भावलपुर मोटर्स के जो ऑनर और उनकी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया और उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम में से जो है वो टाइम दे रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं एज पर पब्लिक अवेयरनेस, नॉट फॉर अ पार्कडील ऑफिशियल चैनल। तो इस वक्त जो है हमारे साथ मोहम्मद तारिक साहब हैं, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं। इनसे हम जो है कुछ ओवरव्यूज़ लेंगे टोयोटा भावलपुर मोटर्स और इनके जो राइट्स हैं इधर शोरूम में और कस्टमर रिलेशनशिप इनका कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। और काइंडली आप कुछ व्यूवर्स को बताना चाहें कि कस्टमर रिलेशनशिप और टोयोटा भावलपुर मोटर्स के हवाले से क्या पॉइंट हैं और ये जो इसकी इनॉग्रेशन हुई वो कब है और उस वक्त से लेके अब तक इसका कैसा रिमार्क्स कस्टमर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे से इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डीलरशिप के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डीलरशिप इनॉग्रेट हुई थी इन 2012 29th of March। माशाल्लाह 7 ईयर्स हो गए हमें यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक इनपुट रहा है अबाउट कस्टमर सर्विसेज। वो तो खैर हमारे कस्टमर्स ही हमें बताएंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो कस्टमर रिलेशन मैनेजर हूँ और मेरे पास यहाँ पे कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उनकी कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज़ ये सब डील करते हैं। एडिशनली मेरे पास जो है वो MRS का डिपार्टमेंट है, कस्टमर्स की कॉलिंग और कस्टमर को मेंटेनेंस रिमाइंडर जो है वो हम भी देते हैं। तो मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस एरिया में इससे पहले जो है वो सुजुकी के डीलर था और टोयोटा एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया इन 2012 तो हमने जो है वो 7-8 गाड़ियों से स्टार्ट किया था सर्विसेज के हवाले से और अब हमारा जो फुटफॉल है वो अल्हम्दुलिल्लाह 40+ व्हीकल्स जो है वो पर डे है सर्विसेज के अंदर। तो ये क्योंकि टोयोटा भावलपुर मोटर इज़ अ 3S डीलरशिप, तो सेल, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट तीनों फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कस्टमर यहाँ पे गाड़ियों की बुकिंग के हवाले से आते हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस सर्विस जो है वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की स्टैंडर्ड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक बहुत अच्छा कस्टमर बैंक अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बना चुके हैं। विद इन 7 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हम 14,000+ कस्टमर्स को डील कर चुके हैं और मज़ीद हमारा फोकस है कि हम और जो है वो अपने कस्टमर्स ऐड करें, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से जो है वो हम हर वक्त जो है कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। ये तो खैर वैसे गुड पॉइंट है कि क्योंकि मुझे याद है कि 2012 से पहले तक जो भावलपुर वाला या तो लियाकतपुर से भावलपुर के जो एरिया के लोग थे या मुल्तान जाते थे या रिमिया खान। तो अभी जो है इस वक्त टोयोटा भावलपुर मोटर्स में क्या वो तमाम सर्विसेज, क्या वो तमाम कैलिपर्स के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं या कुछ कस्टमर्स को आप कहीं बड़े सिटी या मुल्तान या लाहौर रिकमेंड करते हैं? सर बिल्कुल, हमारी क्योंकि कोशिश है कि हम अपने भावलपुर में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम अपने भावलपुर एटलीस्ट डिवीज़न को और अपने जो रेलिवेंट एरिया हैं, जो नियर अबाउट एरियाज़ हैं उनको कवर करें। उसके लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि कस्टमर हमारे पास जो है ना आए और वो मुल्तान या रहीमियर खान जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सर्विस डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल वर्कशॉप, मोबाइल फैसिलिटी भी स्टार्ट की हुई है जो कि सराउंडिंग एरियाज़ में और भावलपुर के नियर अबाउट जितने एरियाज़ हैं लाइक यजमान है, अहमदपुर है, हासिलपुर, भावन नगर, चिश्तियाँ और फोटाबास्त इवन, तो हम इन सब एरियाज़ को कवर करते हैं। हमारी मंथली मोबाइल वर्कशॉप इन एरियाज़ में जाके सर्व करती है। तो ये कस्टमर को मतलब एक ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि लाइक के सर्विसेज जो अवेलेबल हैं वो आपके डोर स्टेप पे हैं। आपने हम क्योंकि हमारा एक बड़ा हम बाकायदा कस्टमर्स को SMS मार्केटिंग करते हैं, कॉलिंग की जाती हैं, एक दिन पहले जो कस्टमर वहाँ जा विज़िट करता है उसको बाकायदा उसकी अपॉइंटमेंट सिस्टम बना के प्रॉपर उसको इंटरटेन किया जाता है। तो उसमें कस्टमर जो हैं वो बड़े हैप्पी हैं, उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो एक सर्विसेज मिल रही हैं। तो इसका जो जो मोबाइल वर्कशॉप है इसको अवेल करने का क्या, फ़र्ज़ करें मैं अगर भावलपुर से आउट ऑफ सिटी हूँ
या मैं इन ट्रैवलिंग मेरा मसला होता है या मैं गाड़ी वैसी ख़राब हुई थी, उसका अवेल करने का प्रोसीजर? सर मोबाइल वर्कशॉप्स के जो हैं वो डे फिक्स हुए हुए हैं, लाइक हम हमारी बाय एवरी फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ जो है हमारी मोबाइल वर्कशॉप जो है वो जाती है सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं हासिलपुर से, तो एक दिन हासिलपुर, देन चिश्तियाँ, हरूनाबाद, फोटाबास, भावन नगर और उसके बाद अहमदपुर और देन यजमान और लोधरा हम लोग करते हैं। यानी कि वो फिक्स डेज जो है वो आपकी एक वर्कशॉप है, नॉट इन केस ऑफ एमरजेंसी कस्टमर फैसिलिटेड जी? इन केस ऑफ एमरजेंसी नहीं है, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी लाइक अगर इन डेज के अलावा कोई आपको एमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो जो हमारी मोबाइल वर्कशॉप है वो आपको फैसिलिटेट करती है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है वो आपको टोच एंड सर्विस देती है, गाड़ी को जो है वो पुल करके जो है डीलरशिप पे ले आती है और फिर हम उस गाड़ी को अकॉर्डिंगली एंटरटेन करते हैं। और पार्ट्स के हवाले से क्योंकि आपका सर्विस के अंदर भी लिंक है आपका, क्योंकि ये आपकी रूफ के हैं, तो पार्ट्स और कस्टमर का फीडबैक और आर दे हैप्पी फ्रॉम योर सर्विस? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आर कस्टमर्स आर क्वाइट हैप्पी। यू नो कि मैं आपको रिज़ल्ट अगर शेयर करूं तो लास्ट ईयर, ये अभी फिजिकल ईयर जस्ट अभी क्लोज ही हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेसिकली दो एंड है, सेल्स एंड सर्विसेज। तो सेल्स के अंदर हमारा कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमारा CSI, हम उसको SSI का रिज़ल्ट बोलते हैं, जो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह अचीव 98% आवर सेल्स कस्टमर इज़ सेटिस्फाई अराउंड 98%। और जो हमारा CSI का कस्टमर है, CSI मीन जो सर्विस का कस्टमर है, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 90% सेटिस्फाई है। तो ये इट्स अ यू नो वेरी गुड अचीवमेंट के हम अबव 90% हम डील कर रहे हैं ऑन एंड एवरेज। तो हमारा कस्टमर्स का, ये कस्टमर्स का फीडबैक है और ये प्योरली फीडबैक जो है वो कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट, हम लोग ये फीडबैक ले रहे होते हैं। और जो ये रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये थर्ड पार्टी सर्वे होता है, जो कि हमारी मदर कंपनी, पेरेंट कंपनी इंडस मोटर कंपनी है, ये उन्हीं के सर्वेज आते हैं। वो थर्ड पार्टी एक सर्वे होता है जिसमें वो एक कंपनी को हायर करते हैं और वो आके एक अनबाइज्ड कस्टमर से डायरेक्ट मिल के सर्वेस कंडक्ट करते हैं और उस बेस के ऊपर ये रिज़ल्ट जो है वो आया। तो इस रिज़ल्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट हमारे कस्टमर से। ये वैसे माशाल्लाह रिज़ल्ट बड़े ज़बरदस्त है, क्योंकि एज मैं भी एक टोयोटा का ओल्ड कस्टमर रह चुका हूँ, तो मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग टोयोटा यूज़ करते हैं। मैं एक चीज़ अभी बात कर रहा था अपनी टीम से कि ये मुझे अभी तक किसी और डीलरशिप कंपनी की जो है सर्विस एरिया नहीं इतना मज़े का लगा, या जहाँ पर बंदा रिलैक्स फील करता है आके, और या टीम जो है वो इतनी क्वालिफाइड मुझे नहीं लगी। टू बी ऑनेस्ट माजर के साथ कहना नहीं चाहिए अगर बाकी कंपनीज़ के भी हमें देख रहे हैं, बट टोयोटा पे मुझे ये चीज़ लगी है कि बेशक टोयोटा रॉयल मोटर हिमिया खान हो या टोयोटा भावलूर मोटर्स, मैं अभी तक इन दो टोयोटा के शोरूम में जा चुका हूँ, तो यहाँ की टीम मैनेजमेंट जो है वो मुझे वेल क्वालिफाइड और एज़ पर उनकी जो नॉलेज है वो बड़ा ज़बरदस्त लगा है। अच्छा एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि अक्सर एक दो मुझे रूमर्स की कॉल आई थी, क्योंकि वो अवेयरनेस के टाइप हम लोग शेयर्स करते हैं उनको नॉलेज, तो वो कह रहे थे कि टोयोटा भावलूर मोटर्स शिफ्ट हो रहा है आपकी मुल्तान रोड कोक फैक्ट्री के पास, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? सर र्यूमर्स तो देखें मार्केट में होती हैं और र्यूमर्स ही होती है, तो ऐसा कोई जो है ना वो सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो, हमारे ऑनर्स की और हमारी तो ख्वाहिश है कि हम इसके साथ एक और टोयोटा जो है ना ओपन करें, तो कहीं नहीं शिफ्ट हो रही, यहीं पे है। और ये एक बड़ा अच्छा हम समझते हैं कि ये लोकेशन है, लाइक वी आर ऑन दी वे, हम हाईवे के ऊपर हैं, तो हमारे पास वॉक इन कस्टमर बहुत लगता है, जो कि कराची से ऑनवर्ड अगर लाहौर आप इस्लामाबाद जाएँ तो ये एक बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कराची के कस्टमर्स भी आते हैं, लाहौर के कस्टमर ऑन दी वे कराची जाते हुए और सराउंडिंग के लोग जो हैं उनको ये बड़े अच्छे प्लेस पे है। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि ये बड़ा एक वाइड एरिया है, खुली डीलरशिप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 एकड़ के ऊपर ये बनी हुई है, तो क्योंकि सिटीज़ के अंदर स्पेस इशू है, ठीक है आप देख सकते हैं, हम तो क्योंकि विज़िट करते हैं लाहौर कराची बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्टोरीज़ बनती हैं लाइक बिल्डिंग सिंगल स्टोरी डबल ट्रिपल, तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी खुली लोकेशन है, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि बड़ा वर्कशॉप भी काफ़ी खुली है और कस्टमर के बैठने की जगह, लाउंज और बाकी एरियाज़, और मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये इट्स अ बेस्ट प्लेस जहाँ पे ये लोकेटेड है। तो सेल्स के हवाले से मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि हमने भी अपकमिंग देनी होती है, और उम्मीद करता हूँ जो मेरा क्वेश्चन होगा ये आपकी जो कहते हैं ना कि सीक्रेट रूफ से हट के नहीं होगा। एक तो मुझे आप ये ज़रा व्यूअर्स को ये बता दें कि जैसे कि जो रेट्स इतने हाई पर जा चुके हैं,
इवन कि आपकी GLI 2.8 पे पहुंच गई, XLI का रेट बढ़ गया। क्या आने वाले दिनों में टोयोटा या इंडस मोटर की प्लान कर रही है पाकिस्तान को एंट्री लेवल गाड़ी देने की? नंबर टू, क्या जो है आपके पास जो वियोस और यारिस की एक कशमकश चल रही है, एक दिन सोशल मीडिया पे वियोस का जिक्र सुनते हैं एक दिन यारिस का सुनते हैं, काइंडली? सर इसमें देखें, ये काफ़ी ओपन क्वेश्चन है, इसमें मैं यही कहूँगा कि ये अभी तो बिफोर टाइम है अगर मैं इसको आंसर करूँ, बट यू नो कि कुछ रूमर्स हैं, कुछ हम लोग भी देख रहे हैं, पार्क व्हील्स के ऊपर भी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती है। तो वायोस का बिल्कुल सुन रहे हैं कि वायोस माइट बी विल बी लॉन्च बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और स्टार्ट ऑफ कमिंग ईयर, तो वायोस इंशाल्लाह आएगी। यारिस के ऊपर भी कुछ वर्कआउट कंपनी ने किया है, बट आई डोंट नो कि यारिस कब आती है, लेकिन एक गैप बिल्कुल है। आप जिस तरह आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा कंपेटिटर के पास गाड़ी है तो टोयोटा के पास भी होनी चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश है कोई ऐसी गाड़ी हो कि हम भी अपने कंपेटिटर को उस गाड़ी के थ्रू कम्पीट कर सकें। तो वी आर वेरी होपफुल के माइट बी नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई ऐसी गाड़ी आ जाएगी जिसको हम जिसके थ्रू हम कम्पीट कर सकेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आंसर जो था, ये वाकई एक जैसे कहते हैं दरिया का कूजे बंद करने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में टोयोटा जो है एक एंट्री लेवल गाड़ी निकाले, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है मेरे ख्याल में अगर टॉप थ्री जो आपके टाइकोन है उनमें से सुजुकी दे रहा है, बट बिल्ड क्वालिटी हर कोई जानता है उसकी कैसी है या जो भी है। एंड में हमारे चैनल के तवसुस से या हमारे व्यूअर्स को या अपने कस्टमर्स के लिए कोई अहम पैगाम? जी बिल्कुल, आपके थ्रू मैं अपने कस्टमर्स को और ओवरऑल जो है वो एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि टोयोटा भावलपुर मोटर्स भावलपुर के अंदर मौजूद है। ये डीलरशिप हमने अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई है और हम चाहेंगे कि हम हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो एटलीस्ट इस डीलरशिप को विज़िट करें। इवन दैट के आफ्टर 7 ईयर वी फील दैट कि अभी हमारा बहुत सारा कस्टमर ऐसा है कि जो जिसने अभी तक इस डीलरशिप को विज़िट ही नहीं किया। हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट प्रमोशंस के थ्रू हम कस्टमर्स को लेके आ रहे हैं, बट मतलब आपके चैनल के थ्रू मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि एक मार्केट के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है कि यार ये एक एक्सपेंसिव ब्रांड होगा और टोयोटा है, एक नाम है, तो इतनी बड़ी कंपनी में जाएंगे, डीलरशिप पे जाएंगे तो एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी। डेफिनेटली जो जेन्युइन पार्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो महंगी ज़रूर होती हैं, बट हम लोग कस्टमर्स को कस्टमाइज सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट प्रमोशंस हैं जिसमें आप इवन दैट के हम ये कह सकते हैं कि उन प्रमोशंस को, उन स्कीम्स को जब आप अवेल करते हैं तो आप अगर ख़ुद एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वही रेट मिल रहा होता है जो ऑलमोस्ट मार्केट में होता है। बिल्कुल सेम तो नहीं होता लेकिन माइनर डिफरेंस होता है, बट जो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट कि आप डिफरेंस कितना है उन सर्विसेज का और मार्केट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। यहाँ पे स्टाफ ट्रेंड है और क्वालिफाइड लोग हैं, कंपनी ने इनको क्वालिफाइड किया, कंपनी के ट्रेंड टेक्नीशियन हैं, अपडेटेड हैं और हमारा इक्विपमेंट जो है वो लेटेस्ट और बड़ा अच्छा इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ हुआ है, हैशबोन का कोरियन इक्विपमेंट है ये। तो ये इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितना स्टाफ है, मैं क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ काम कर रहा हूँ, 7 ईयर्स मुझे हो चुके हैं, तो मैं ये चीज़ बड़े दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज, जो भी काम होता है, जो भी हम आपसे पैसे चार्ज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आपकी गाड़ी के ऊपर ही हो, ये डेड श्योर जो है वो है। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं होगी कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि मतलब मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ी क्वालिटी सर्विसेज और बड़ा एक फेयर काम होता है और हम लोग यही देने की कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ये चीज़ें बताते हैं। आप हमारे कस्टमर से कभी फीडबैक लें टोयोटा भावलपुर मोटर्स का तो वो आपको बताएंगे कि हमारी सर्विसेज किस तरह की हैं और कितना हम कस्टमाइज हो के कस्टमर को सर्विसेज दे रहे होते हैं। इवन दैट कि ये चीज़ें यू कांट सी लाइक इन बिग सिटीज़, कराची और लाहौर में ऐसी सर्विसेज नहीं मिलती। वी आर क्वाइट इन्वॉल्व यू नो विद दी बाय डिलीवरिंग ए क्वालिटी सर्विस टू आवर कस्टमर्स, हम उनको कस्टमाइज होकर, उनको इन्वॉल्व होकर उनके साथ जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। ये वाकई बात इनकी नोट करने वाली है कि सर्विसेज के अंदर टोयोटा का बेशक कोई शक नहीं, इवन के मैंने कई जगह विजिट करता रहता हूँ, वहाँ पर मुझे ऐसे जो पीस ऑफ माइंड जो वर्क का मिलता है वो नहीं मिलता इवन के। अच्छा एक और चीज़, एक आखिरी क्वेश्चन,
अक्सर लोगों को मैंने देखा है गाड़ी आपसे लेते हैं मोबाइल ऑयल आफ्टर मार्केट रिप्लेस करते हैं, कोई जिक है, कोई हैवलिन का यूजर है, कोई चेंज करता रहता है, कोई पीएसओ, इसके मुताबिक आप सिर्फ इंजन के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को कन्विंस करेंगे टोयोटा, बट इसके असरात क्या पड़ते हैं? सर देखें, ये मार्केट में एक परसेप्शन है कि जी ऑयल जो है वो मार्केट में सस्ता मिलेगा, और समटाइम लोग जो है वो हमसे भी लेके मार्केट से चेंज करवाते हैं। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि जी आप जेन्युइन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए हमारे से ऑयल बाय कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो देखें कंसर्न है, लाइक हमारा क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, लोग हासिलपुर भावन नगर चिश्तियाँ रहते हैं, तो उनको समटाइम जिस तरह मैंने अभी कहा बहुत सारे लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि जो है वो टोयोटा की मोबाइल वर्कशॉप भी वहाँ जाती है, वो ऑयल हमसे लेकर बाहर कहीं मार्केट से रिप्लेस कराते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं प्रॉपर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग अगर हमारे से वो ऑयल ले भी लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि टोयोटा की मोबाइल वर्कशॉप से जो है वो चेंज करवाएं। इसके अलावा जो है वो जेन्युइन ऑयल क्योंकि टोयोटा पे ही अवेलेबल है तो लोग यहाँ से बाय करते हैं। हम उनको कहते तो हैं कि आप यहाँ चेंज करवाएं, बट ये डिपेंड करता है कि वो बाज़ कस्टमर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है या इस तरह होता है कि उन्होंने उनका वो चक्कर नहीं लगना होता, इसलिए वो एक दो ऑयल साथ ले जाते हैं, एक चेंज करवा लिया उसके बाद सेकंड ले लिया। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद कोई अपने एरिया को जो है वो एक्सपेंड करें। जिन एरियाज़ में अभी मोबाइल वर्कशॉप है, हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि हम 3 से 4 सिटीज़ फर्दर और ऐड करेंगे। तो जब इस तरह की सर्विसेज जब एडिशन हो जाएगी सिटीज़ की, तो ये चीज़ भी जो है वो होप्स हो कि ये रिड्यूस हो जाएगी, कस्टमर को बाय नहीं करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि हमने तमाम क्वेश्चन एज अ कस्टमर रिलेशनशिप और इनका काफ़ी माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने सेल्स के टॉपिक को भी कवर किया, हम फर्दर सेल्स सर्विसेज एंड वर्कशॉप का बैकग्राउंड भी अभी आपके साथ लेके आएंगे। तो इनके काफ़ी जो फैक्ट एंड फिगर्स है उसमें ये नो डाउट कि मैं एक टोयोटा रूफ के अंडर बैठा हूँ तो मैं ये इसको एग्री कर रहा हूँ, बट मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक भी टोयोटा बहावलपुर मोटर्स के जो फैक्ट एंड फिगर्स मैंने भी रिसर्च किए हैं वो इन्हीं के नियर अबाउट ही मुझे रिसर्च में मिले। उम्मीद करते हैं हमने तमाम क्वेश्चनिंग को कवर किया, और एंड में तारिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और टोयोटा बहावलपुर मोटर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपने टाइम में से हमें कॉन्टैक्ट किया और हमें आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे बुलाया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।